हेलो टू माय वंडरफुल पीपल आउट देयर, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ज़्यादा मैजिकल DIY रेमेडी, जो कि जिसका इस्तेमाल करते ही आपकी स्किन में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, चाहे रिंकल्स की प्रॉब्लम हो, या आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो या फिर आपकी स्किन में डार्क स्पॉट्स हैं, या फिर आपकी स्किन ये अनइवन है, इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम हो, इसका रिज़ल्ट इतना ज़्यादा मैजिकल है कि जैसे आप इसका इस्तेमाल करोगे, फर्स्ट यूज़ के बाद ही इसका आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, इसे किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो हम देख लेते हैं आगे, लेकिन वीडियो में आगे पढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को हिट करें, ताकि आने वाली अगली यूज़फुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आप देख सकते हो आज हम जो फेस पैक या जो DIY बनाने वाले हैं उसमें हमें बेसिकली तीन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ है जो है शहद। जैसे आप जानते हो कि बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग कंटेंट से भरपूर होता है, जिससे कि आपकी स्किन में जो भी आपकी स्किन को ये नमी प्रोवाइड कराता है, जिससे आपकी स्किन में डिहाइड्रेशन के प्रॉब्लम को ये दूर करता है। इसके अलावा आपकी स्किन को टाइटनिंग का इफेक्ट देता है, आपकी स्किन में ग्लो ऐड करता है, नेचुरल ग्लो। तो इसके अलावा आपकी स्किन, ये शहद एक बहुत अच्छा एंटी इंफ्लेमेटरी भी है। एंड सेकंड जो है वो है एलोवेरा जेल। जैसे आप जानते हो एलोवेरा जेल बहुत ज़्यादा यूज़फुल है हमारी स्किन के लिए। तो आप जिसे जानते हो कि फेयरनेस के साथ साथ रिंकल्स के प्रॉब्लम को दूर करता है, एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करता है, एंड ग्लो भी ऐड करता है। थर्ड है जो ये है बिला वीटा ऑर्गेनिक न्यू एज आयुर्वेदा एक्सफोलिएट फेस एंड बॉडी स्क्रब ग्रिट। बेसिकली ये दो तीन चीज़ों से बना है। इसमें वॉलनट कॉफ़ी, कोकोनट ऑयल, रॉक साल्ट है। अगर ये आपके पास नहीं है तो डोंट वरी, कोई परेशानी की बात नहीं है। आपके पास चोकर, नॉर्मली जो हम आटा घर में छानते हैं उसमें चोकर तो निकलता ही है, वो लेना है। एंड उसके साथ थोड़ी सी कॉफ़ी मिक्स करके इस ब्लेंड में मिक्स कर लेना है। इसके बाद इस मिक्सचर को हमें अप्लाई करना है। इसे हमें हफ्ते में दो बार करना है, जिससे कि आपकी स्किन में जो भी डेड सेल वो भी रिमूव होंगे। इसके अलावा आपकी स्किन में एक शाइन ऐड होगी, एक ग्लो आएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं इसे अपने फेस में आपको अप्लाई करके बता देती हूँ। लेकिन उसके लिए हमें अपना फेस बहुत अच्छे से क्लीन करना है। उसके लिए आप किसी क्लींजर का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप रॉ मिल्क से भी क्लीन कर सकते हो। तो मैं बता देती हूँ, एंड बहुत सारे भरपूर पोषण से युक्त न्यूट्रिशन वैल्यूज़ होती हैं, विटामिन एंड कैल्शियम ये सब होता है। एंड इसके अलावा दूध बहुत अच्छा क्लेंजर होता है, मॉइस्चराइज़र होता है, टोनर भी होता है, आपके स्किन में गहराई से जाकर आपके पोर्स को साफ करता है, सारा डर्ट पोल्यूशन बाहर लाता है। पूरी तरीके से जो हमने ब्लेंड बनाया था, अब उसे मैं अप्लाई करके दिखा देती हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हो इंस्टेंट ग्लो, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही है। एंड बहुत ही मैजिकल है ये जो मैंने रेमेडी बनाई है। इस रेमेडी को कोई भी एज ग्रुप के लोग कर सकते हैं, इसका कोई भी नुकसान नहीं। लेकिन टीनेजर्स हो, चाची नानी दादी दादा, कोई भी एज ग्रुप हो, सारे लोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई केमिकल वाला चीज़ नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, आपकी स्किन में ग्रेजुअली वर्क करेगा धीरे धीरे। इसे वीक में दो बार करना है। अगर स्किन आपकी ड्राई है तो इसमें नारियल का तेल ऐड कर सकते हैं,
तो दोस्तों जैसे मैंने बताया, अगर एज इट इज़ वैसे करते हो तो आपको बहुत ही जल्द आपके स्किन का बहुत ही खूबसूरत बेस्ट वर्जन मिलने वाला है। आपकी स्किन के कोई भी प्रॉब्लम में पिगमेंटेशन, झाइयाँ या अनइवन है, ग्लो चला गया है, बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई स्किन, सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये मेरी रेमेडी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को हिट करें। तो नमस्कार, बाय बाय, टिल देन टेक केयर, नेक्स्ट टाइम।